फिटर सेकेंड इयर टॉपिक चल थिला पाइप एंड पाइप फिटिंग अर्थात सर थिला पाइप केते प्रकार को पाइप को जगह रे व्यवहार करचे बा बेंडिंग कौन बा पाइप रो काम कौन बा हमें को क्षेत्र रे पाइप को व्यवहार करथिले जान दिले बर्तन आसियो टाइप्स ऑफ पाइप पाइप को हमें केते प्रकार रो जानिबा और पाइप फिटिंग काहेकि करे किपर भाव रे करा जाय पाइप फिटिंग रे देला टू मेक ए लीक प्रूफ जॉइंट फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रांसफरिंग ऑयल और वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आम एटा समस्त जानचे पाइप फिटिंग रे काम होची गोटे जगह रु अन्य जगह को ऑयली सब्सटेंस बा वाटर को विभिन्न प्रकार जगह काम रे बा तरल पदार्थ को पाइप द्वारा आम गोटे जगह रु अन्य जगह को अति सहज भाग रे से भाव रे शीघ्र आम ट्रांसफर करि पारिबचे टाइप्स ऑफ पाइप्स केते प्रकार पाइप होची देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पाइप्स इन यूज सच एज कास्ट आयरन पाइप रॉट आयरन पाइप जी आई पाइप अर्थात ग्लाबनाइजर आयरन पाइप कास्ट आयरन पाइप रबर पाइप प्लास्टिक पाइप ब्रास पाइप लीड पाइप रेन वाटर पाइप एल्युमिनियम पाइप फ्लेक्सिबल पाइप एसेट्रा विभिन्न प्रकार पाइप को आम व्यवहार करुचे कास्ट आयरन पाइप रो काम कौन बा कास्ट आयरन पाइप को आम क्यों प्रपोज रे क्यों प्रणाली रे आम क्यों काम रे व्यवहार कर परिबा इट इज मेड फ्रॉम कास्ट आयरन द्वारा पाइप आम कास्ट आयरन पाइप कहले इट इज नॉर्मली यूज्ड इन बिग वाटर लाइन इट इज कास्ट आयरन पाइप को आम कौट व्यवहार करवा नॉर्मली बा साधारणतः जनरली बिग वाटर लाइन वेयर ड्रिंकिंग वाटर इज टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिग वाटर लाइन अर्थात जोटि की बहु परिमाण रे वाटर रो सप्लाई आवश्यक होता है पानी रो सेठी ड्रिंकिंग वाटर टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर गोटे जगह अन्य जगह को ट्रांसफर पाई आम कास्ट आयरन पाइप को व्यवहार करवा दे आर एंटी कोरोसिव सो दे लास्ट लॉन्ग कास्ट आयरन पाइप को बिग सप्लाई जगह वाटर सप्लाई जगह कहीं व्यवहार करागला लास्ट लॉन्ग अर्थात पाइप रो टाइमिंग लॉन्ग लास्टिंग करी थाए तेणुक कास्ट आयरन पाइप को बिग पाइप लाइन रे अर्थात बिग वाटर ट्रांसफर्म लाइन रे व्यवहार करा जाए तापर आइला रोट आयरन पाइप दिज पाइप्स आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ मेनी अदर टाइप्स जेते साधारणतः जेते प्रकार पाइप अच्छी विभिन्न प्रकार पाइप रो रोट आयरन पाइप का स्ट्रॉन्ग समस्त बा अलग इट इज नॉर्मली यूज्ड वेयर हाई प्रेशर लिक्विड आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रोट आयरन पाइप को आम इट इज नॉर्मली यूज्ड वेयर हाई प्रेशर लिक्विड अर्थात जोटी की लिक्विड सब्सटेंस कौन साधारणतः तरल तेल जातीय पदार्थ बा पेट्रोल डीजेल फ्लेमेबल लिक्विड विभिन्न प्रकार ऑयली सब्सटेंस को जो आम ट्रांसफर करूचे से हाई प्रेशर अर्थात जी परिमाण में प्रेशर आवश्यक ताठू हाई क्वालिटी प्रेशर द्वारा आम ट्रांसफर कर दूचे लिक्विड्स आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लस टू अनदर प्लस दे आर अवेलेबल इधर इन सॉलिड टाइप ऑफ वेल्डेड टाइप अप टू 30 इंच इन लेंथ रोड आयरन पाइप रो गोलाकार होची 30 इंच 36 इंच 32-36 विभिन्न प्रकार माने विभिन्न मोटा आकार रो बहु परिमाण रो बड़ पाइप और हाई प्रेशर अर्थात जत्ते परिमाण रो प्रेशर रे मध्य लिक्विड पास हला बड़ को से पाइप रो डैमेज होइन थाय तेणुकरी रोड आयरन पाइप को आम व्यवहार करचे तापर नेक्स्ट सी नंबर रे जी आई पाइप रो फुल फॉर्म होची ताको जी आई पाइप ग्लाबनाइज्ड आयरन पाइप जीआई दिस टाइप ऑफ पाइप इज मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील विथ जिंक कोटेड जीआई पाइप रा साधारणतः मेड होची माइल्ड स्टील रे विथ ता ऊपर जिंक रो कोटेड ता ऊपर किछ परिमाण रो जिंक रो आवृत रहिथे दैट इज ग्लाबनाइज्ड तेणु कर ताको ग्लाबनाइज्ड बोली कुआ गला दे आर एक्सटेंसली यूज्ड फॉर
water lines and due to zinc coating they are anti-corrosive. Water line रे व्यवहार करता हूँ due to कहीं के zinc रो coating हो ची तेरे को दी anti-corrosive. They are available in different diameters. अर्थात market रे जो GI pipe मिलू ची available in different diameters. अलग अलग प्रकार रो गोलाकार रो छोटो size टू धरेगी बड़ो size आम को जेवुं जगह रे जेतिक साइज रो आकृति रो पाइप रो आवश्यकता रहिची से परिमाण रे आमे व्यवहार करबा बा मार्केट रो नै के आसीबा हमरो वर्क प्लेस ऊपर निर्भर करेबा आमे साधारणत 2 इंच रो मोटर रो पाइप रे लगे दीथिबा सेतिरे हाई प्रेशर रे वाटर लाइन को आमे सप्लाई करबा से पाइप रो संभालियो कि संगे संगे फाटीबा सह डैमेज मध्य आसीबा पानी रो लीकेज बहुत स्थान रे बा जे कोनोसी जगह रे गोटे जगह रे अन्य जगह जो ट्रांसफर करछे विभिन्न पाइप रो लेंथ लंबा हिसाब रे हमहु जदि 10 फुट 20 फुट 30 फुट जगह रे लगेयार अछि माने किछि गोटे रो दीटा बा एक एक रो एकाधिक पाइप को आमे जॉइंट करथौ से जॉइंट रे लीकेज आसे बा जॉइंट टू डैमेज हे जाय तेन करी हमहु जे जॉब वर्क प्लेस जति परिमाण रो प्रेशर आवश्यक बा केते पर स्पीड रे आमे पानी रो फ्लो कर परबा ता हिसाब रे आमे पाइप को व्यवहार करचे जीआई पाइप जे दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट डायमीटर्स 12 इंच एंड नॉर्मली 21 इंच 12 इंच टू आरंभ करके हाफ इंच 12 इंच टू आरंभ करके 21 इंच जे आवश्यक अछि इन लेंथ फॉर स्मॉल डायमीटर पाइप्स विद बोथ इंच ऑफ पाइप आर थ्रेडेड ग्लाफनाइज्ड आयरन पाइप रो बोथ इंच पाइप रो दी कनी शेष रे बा पाइप रो शेष पोजीशन रे शेष पोर्शन रे थ्रेड कटिंग थाय काहे की रही थाय पाइप रे ना गोटे पाइप रे थ्रेड रे चूड़ी साजे रे कटिंग रे अन्य पाइप को आमे ठीक भाव रे जॉइंट कर परिबा परमानेंट जॉइंट पाइप तापर आसला कॉपर पाइप कॉपर पाइप कोन इट इज मेड फ्रॉम कॉपर कॉपर रे तैयारी तैयार तक कॉपर पाइप कोइले एंड नॉर्मली अवेलेबल फ्रॉम 8 इंच डायमीटर 8 इंच डायमीटर रो रे से अवेलेबल इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्रीज इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्टीम ऑयल स्टीम बॉयलर्स अर्थात आको हमें इंडस्ट्री लाइन रे व्यवहार करथौ और स्टीम ऑयल बॉयलर्स जगह रे जे कोन से जगह रे ऑयल ला फ्लो हुए बा कॉपर पाइप साजे रे हमें फ्लो करी थाउ ता पर आला प्लास्टिक पाइप हमें साधारण तो समस्त व्यवहार करी जे अर्थात को जे काम रे व्यवहार कर जे हमें जानि जे किछ न किछ धारणा अछि प्लास्टिक पाइप ऊपर हमें हाउस लाइन रे इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम रे प्लास्टिक पाइप को समस्तनको घरे व्यवहार करा जाय थाय प्लास्टिक पाइप कोन इट इज आल्सो नोन एज पीवीसी पाइप आको हमें कोन पीवीसी पाइप कोइले पीवीसी रा फुल फॉर्म कोन पॉलीवेनाइल क्लोराइड एंड इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक अर्थात घरे जो हमें डोमेस्टिक कोइले कोन घरे जो इलेक्ट्रिक लाइन पाइप व्यवहार करू छे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रपोज एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र रे मध्य किछि जगह रे पीवीसी पाइप को बा प्लास्टिक पाइप को हमें व्यवहार करचे दे आर अवेलेबल इन स्मॉलर एज वेल एज बिगर डायमीटर्स हमको मार्केट रे उपलब्ध अछि पीवीसी पाइप रो अति छोटिया टू आरंभ करकी बिगर बहु परिमाण रो बडो साइज रे मध्य पाइप अछि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एज सच दे आर used where flexibility is a factor, prime factor. They are also used with some medical appliance. अर्थात आको हमें पीवीसी पाइप को हमें मेडिकल अप्लायंस रे अर्थात मते मेडिकल रो विभिन्न जगह रे ट्रांसफर वा वेस्ट मेटल घर रो बा किंबा एग्रीकल्चर प्रपोज रे काई व्यवहार कर जे ना जेते बड़ के जमीन रे खेत रे पानी व्यवहार मोड हो जे बा गोटे जे लंबा जगह रो अन्य जगह उ ट्रांसफर कर जे से समय रे प्लास्टिक पाइप रो व्यवहार कर जे प्लास्टिक पाइप पर आसेला रबर पाइप रे काम कोन रबर पाइप्स वेयर एक्सटेंसली यूज्ड ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ अर्थात
ଆମେ ରବରର କାମ ମଧ୍ୟ ବା ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରବର ଦେଖି ତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରସରିତ ହେଇପାରିଥାଏ ରବରକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସଲି ସେମିତି ଦେଲା ରବର ପାଇପ୍ସ ବାଏ ଏକ୍ସଟେନ୍ସଲି ୟୁଜଡ଼ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ଟା କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଆସିବ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼୍ ପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଛିଚି ଯିବା ଫଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ଟା ଫାଟିଯାଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ଫାଟି ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରବର ପାଇପ୍ରେ କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ସେ ହଠାତ୍ ଅତି ସହଜରେ ଫାଟିନଥାଏ କିମ୍ବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ କିଚେନ୍ କିଚେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରବର ପାଇପ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଟୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ଷ୍ଟୋଭ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ରବର ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଦର୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଭେର୍ PVC ପାଇପ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ରିକମେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି PVC ପାଇପ୍ର ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ସେଠି ଆମେ ରବର ପାଇପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଚେନ୍ରେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅଦର୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରବର ପାଇପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ ସେମିତି ରହିଲା ରେନି ୱାଟର୍ ପାଇପ୍ ରେନ୍ ୱାଟର୍ ପାଇପ୍ କ'ଣ ଦେ ଆର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ରେନ୍ ୱାଟର୍ ପାଇପ୍ଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହେଇଛି ହାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ରେ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ରେନ୍ ୱାଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ରୁଫ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ରେନ୍ ୱାଟର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ରୁଫ୍ ଛାତ ଉପରେ ବା ଯେଉଁଠି ଘର ଅଗଣରେ ଚଟାଣରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବା ସେ ଜାଗାରୁ ବର୍ଷା ପାଣିକି ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେନ୍ ୱାଟର୍ ପାଇପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେମିତି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପାଇପ୍ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ମେଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କୋଲିଡ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନଭେନ୍ସଲି ମୁଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏନି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପାଇପ୍ଟାକୁ ଆମେ କନଭେନ୍ସଲି ଯଦି ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଘୁରେଇବାକୁ ବା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ର ଦିଗ ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଦିଗରୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଏନି ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ସେ ଘୁରି ପାରିଥାଏ ଜେନେରାଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପାଇପ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ୱାରିଂ ସ୍ପେଶାଲି ୱିଥ୍ ମୋଟର୍ସ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ୱାରିଂ ଅର୍ ମୋଟର୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ କାନଭାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କାନଭାସ୍ ପାଇପ୍ ଦେ ଆର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ କାନଭାସ୍ କ୍ଲଥ୍ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ ଜେନେରାଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦି ପାଇପ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରୋଲ୍ଡ କନଭେନ୍ସଲି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଡ଼୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ରେନ୍ ୱାଟର୍ ପାଇପ୍ କାନଭାସ୍ ପାଇପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେନ୍ ୱାଟର୍ ପାଇପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେମିତି ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାର ପାଇପ୍ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଦେର୍ ଆର୍ ସେଭରାଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପାଇପ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ବା ପଏଣ୍ଟ ଏରେ ଆସିଲା କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ପାଇପ୍ ତାକୁ ଆମେ CI ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିପାରିବା ସେକେଣ୍ଡରେ ରୋଟ୍ ଆଇରନ୍ ପାଇପ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ GI ପାଇପ୍ GI ପାଇପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ଲାଭାନାଇଜଡ଼ ଆଇରନ୍ ପାଇପ୍ ତାପରେ ଆସିଲା କପର ପାଇପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ରବର ପାଇପ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପାଇପ୍ କାନଭାସ୍ ପାଇପ୍ ସାଧାରଣତଃ 8-10 ପ୍ରକାର ପାଇପ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଲାଇନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାଉସ୍ ୱାରିଂରେ ପାଇପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉଛେ ବା ୱାଟର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୋରିଂରୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ବା ଘରର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ଜାଗାରୁ କିଛି ଜାଗାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ସପ୍ଲାଇକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ପାଇପ୍ ସିନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ପାଇପ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଟୁଲ୍ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।